तेलंगाना हुकूमत मुल्क भर के लिए रोल मॉडल है क्योंकि पिछले 9.5 सालों में बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना को जो तरक्की दिलाई इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेदक जिले के हल्का असम्बली नरसापुर में मुनाकदा अखिलती पार्टी मीटिंग को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत मुसलसल तीसरी मरतबा हुकूमत बनाने जा रही क्योंकि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी का मुकाबला करने किसी भी पार्टी में दम नहीं। बीआरएस हुकूमत तीसरी मरतबा इख्तदार में आते ही अपने मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अवाम दोस्त और सेक्युलर हुकूमत है जिसमें तमाम मजाहब के लोगों का ना सिर्फ एहतराम किया जाता है बल्कि उन्हें तरक्की के यकसा मौके फराहम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर की क्यादत वाली तेलंगाना हुकूमत गरीबों मोहताजों और जरूरतमंदों की हुकूमत है जिसमें तमाम तबकात के लोगों की तरक्की और बहबूद के लिए काम किया जाता है। वजीर मौसूफ ने कहा हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9.5 साल दौर हुकूमत में रियासत को गैर मामूली तरक्की दिलाई जिसका एतराफ मुल्क भर से किया जा रहा है। आगे कहा कि बीआरएस दौर हुकूमत में तेलंगाना की अकलियतों बिलखसूस मुसलमानों को हर शोबे में फायदा पहुंचाया गया जिसकी वजह से तेलंगाना के मुसलमान काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने अकलियतों की बहबूद के लिए 10,132.31 करोड़ रुपए खर्च किए जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले कांग्रेस हुकूमत ने अपने 10 साल दौर हुकूमत में मुतहदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की अकलियतों के लिए 1,000 करोड़ रुपयों से भी कम ही खर्च किए थे। और किसी को जाने नहीं देते थे, जाने नहीं करते थे, तो देखो ये